बनाएंगे फायर अलार्म, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है जिसको अपने साइंस एग्जीबिशन में बना सकते हैं। तो लेट्स मेक इट। चाहिए फायर अलार्म बनाने के लिए एक बैटरी कनेक्टर, ओके, एक हमारी 9 वोल्ट की बैटरी, एक पीजो बजर, एक लेड बल्ब और एक ट्यूबलाइट स्टार्टर, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो अपना ट्यूबलाइट स्टार्टर है इसको ऐसे पुश करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे तो हमें कट कर देना है, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इस ये जो बल्ब है ये हमारा फायर सेंसर है, ओके। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे बैटरी में, फिर हम अपना जो ट्यूबलाइट स्टार्टर का एक पॉइंट है उस पर हम 9 वोल्ट की बैटरी को का जो रेड वायर उसको कनेक्ट कर लेंगे। हाँ तो अब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम अपना जो दूसरा टर्मिनल है, तो जो हमने इससे प्लस वाला टर्मिनल था ट्यूबलाइट स्टार्टर में, उससे हम दूसरा जो पॉइंट है उससे हम एक दूसरा अलग वायर जो है वो ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये है, अब हम यहाँ पे बजर लगा देंगे। तो जो ये वाला जो हमने ट्यूबलाइट स्टार्टर से वायर लिया उसको हमें बजर के प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ओके, और उसको दूसरा पॉइंट है उसको माइनस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। अब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं अब आपको उसको दिखाता हूँ कि हमने कैसे सर्किट बनाया। तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो ट्यूबलाइट स्टार्टर के 1 पॉइंट से दूसरे जो टर्मिनल है ट्यूबलाइट स्टार्टर का, हमने उसके वायर को थ्रू जो बजर का टर्मिनल है उस पर जोड़ दिया है, और जो माइनस वाला टर्मिनल है उसको हमने डायरेक्ट बजर में लगा दिया है। तो मैंने एक मॉडल सा बनाया, उस पर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो हमने अपना जो ये है इसको हमने यहाँ पे बल्ब फिट कर लिया, या बैटरी ऐसे फिट कर लिया डबल साइड टेप की मदद से। तो मैं आपको अब इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा जो सेंसर है ये पता कर लेगा कि फायर लग चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो फायर अलार्म है वो काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फायर अलार्म वर्क करता है। तो आप इसको अपने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में कर सकते हैं। ये इट वर्क्स। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।